अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज देखिए आ चुके हैं हमारे घर पे। हम बना रहे हैं चिकन। देखिए उस दिन बनाई थी ना बिरयानी, बिरयानी का चिकन आपको बताना मैं बताई थी ना, वो बता रही। देखिए अपन बिरयानी में भी डाल सकते हैं, रोटी भी बना के रोटी में भी तक फ्राई करके खा सकते हैं। देखिए चिकन का सल ले लेना अपन अच्छे से, और न चिकन के जैसा रहना। देखिए इसमें ऐड करेंगे, देखिए इसके लिए ले लिया है कॉर्नफ्लोर, अंडा, दही, ये पूरे मसाले हैं, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, पोटली मसाला, टेस्टिंग पाउडर, लाल मिर्ची, अदरक लहसुन। देखिए इसमें सब मिक्स करेंगे। सब इसमें मिक्स करेंगे। इसके लिए तिल भी लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए गाइस इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, ऐड करेंगे दही। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके एक आधा घंटा रखेंगे इसको चिकन को। इसमें फ्रूट कलर भी डालेंगे। इसमें अपन तिल भी डालेंगे।
देखिए गाइस, इसको आधा घंटा रखेंगे अपन फ्रिज में, फिर इसके बाद में आपको बताएंगे। देखिए आधा घंटा हो चुका है, इसको अब हम फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। देखिए इसको अच्छे से लाल कर लेना चिकन को, तो चिकन पकौड़ा भी बन सकते हैं। क्या होता है दीदी बनाए? देखिए इसमें करी पत्ता की डालेंगे।
इसको अच्छे से फ्राई कर लेना चिकन को। इसको रोटी के संग दाल के संग खा सकते हैं। देखिए गाइस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको अपन निकाल लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए हमारा चिकन रेडी हो चुका है। ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी कमेंट करके बताना गाइस। देखिए चिकन देखिए ऐसे कैसे लगा आप लोगों ने रेसिपी कमेंट करके बताना। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।